तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी चढ़ाई के लिए। हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो नन्नू जी क्या कर रहे हैं। ये देखो हमारे हीरो क्या कर रहे हो गए आप रेडी? हाँ रेडी हो गया हूँ मैं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए और 8 बज चुके हैं और हमने यही प्लान किया था कि हम 9 बजे तक चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो एज पर टाइम अभी हमें जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा बाणगंगा तक, जो कि होटल वालों ने ही बोला था कि उनकी कैब है तो वही ड्रॉप करवा देंगे और वापसी में पिकअप भी वही करवा देंगे। हमें बस उनको एक फ़ोन कॉल करनी है कि हम बाणगंगा तक पहुंच चुके हैं तो आप अपना बंदा भेज दीजिए। तो बस फिर यही है, अभी कुछ हल्का फुल्का हम खाएंगे और उसके बाद हम करेंगे चढ़ाई। खाएंगे जरूर, लेकिन खाने के बिना तो देखो खाने के लिए ही है पर यार यार सब घर कुछ। जाके वर्कआउट करना है, तुमने बोला है। हाँ घर जाके गाइस मैं भी थोड़ा वर्कआउट करने वाला हूँ, काफी ज्यादा मेरा भी पेट आने लग गया, अब मेरे को खुद को लगने लग गया क्योंकि मैं किसी और की तो बातों पे बिलीव करता नहीं हूँ। अगर रियाना भी बोलती कि तुम मोटे हो रहे हो तो मैं नहीं मानता, खैर लेकिन मेरे को खुद को लगने लग गया अब तो। तो ठीक है गाइस फिर हम जाते हैं, दर्शन के लिए निकलते हैं क्योंकि कैब भी बुलानी पड़ेगी अभी, तो फिर मिलते हैं आपसे। होटल जेपी इंटरनेशनल गाइस, बहुत मुश्किल से ये हमें होटल मिला है और काफ़ी अच्छा है, बजटेड है। और नन्नू जी टिकट्स ले रहे हैं भवन पे जाने के लिए। और ये देखो आसपास जितने भी बड़े से बड़े होटल्स, हमें कहीं पे भी रूम्स नहीं मिले हैं। ये देखिए गाइस अब हम लोग निकल गए हैं बाणगंगा के लिए। भैया घोड़े कदे हैं, ये हमारे भैया हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। और ये देखिए ये हम लोग मुड़ गए, देखो गाइस अगर मैं गौर से दिखाऊं तो ऊपर देखो भवन आपको दिख रहा होगा जहाँ पे हम लोग चढ़ाई करेंगे। देखो तो गाइस देखिए अब बस हम चढ़ाई करने वाले हैं, बाढ़ गंगा पहुंच गए हैं। देखो क्या खा रहे हैं नन्नू जी। मैं अकेला नहीं खा रहा, ये भी खा रही है, चाय पी रहे हैं। ये क्या खा रहे हो आप ये बताओ? ये बंद बटर है और बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही बढ़िया है सही में। कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है आपको? गैस ठंड नहीं है, अभी चढ़ाई करते हुए बताएंगे। वैसे भी नहीं लगती यार। कहाँ रहते हो? नीचे। और कितने की है ये? पांच की। पांच की एक? ये ले गाइस, ये हमें दो बच्चे मिले हैं जो कि रिबन, माता का रिबन सेल कर रहे हैं ये लोग ना। हमारी यूट्यूब पे आएगी वीडियो? हाँ YouTube देखते हो? हमारे पास फोन नहीं है। तो घर पे तो होगा किसी के पास? नहीं मामू के पास है, वो नहीं देते देखने के लिए। चलो ठीक है, पढ़ाई करते हो? माता के दर्शन के लिए पढ़ाई करते हैं भाई। फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लाओ दे दो भाई, बांध ले, जय माता दी। गाइस देखिए वो यहाँ, अभी हमें पूरा सफर तय करना है ऊपर तक। तो देखो दोस्तों ये है बाढ़ गंगा और ये है स्टार्टिंग पॉइंट। कितना अद्भुत और कितना प्यारा है। मैं तो गाइस हर साल आती हूँ बट शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। दोस्तों यहाँ से क्या हमने एंट्रेंस, और कितना रश है। रात को हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की है और अभी लगभग 9 बज रहे हैं और देखो कितना ज्यादा रश है यहाँ पर रात में भी। Yeah,
गाइस हम लोग अभी आई थिंक 1 किलोमीटर भी नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर पड़ता है इच्छा पूर्ण, इसका नाम है माँ भगवती दर्शन। सी देखिए बोरे नन्नू जी व्हाट हैपेंड, अरे मैं तो टायर्ड नहीं नहीं अभी तो वो अर्ध कुंवारी है वो वाला। सी गाइस हम कितना ऊपर आ गए हैं देखो गाइस, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, टेस्टी टेस्टी, बहुत अच्छा है गाइस, लेकिन रश उतना नहीं है। हाँ रश तो कम ही है कोविड के लिए, और आप लोग भी अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको कोविड नेगेटिव टेस्ट, अगर आप लोग नहीं करा के आते तो आपको कराना पड़ेगा, और अगर नहीं भी कराते तो यहाँ पे फ्री में भी हो रहा है। फ्री में हो रहा है या पैसों में ये तो हमें पता नहीं, लेकिन रश कम है, भीड़ नहीं है ज़्यादा। अर्धकुंवारी यहाँ से कितना है? 2 किलोमीटर है आई गेस। पहुँचते हैं वहाँ पे और मिल के आपसे, भूख भी लग रही है, डिनर भी नहीं किया हमने, तो डिनर नहीं किया हमने, वही ब्रेड और वही खाया था, तो वही पहुंच के मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग बस पहुंच ही गए अर्धकुंवारी। हम लोगों ने 9:30 बजे चढ़ाई शुरू की थी, 11:30, 2 घंटे में हमने अर्धकुंवारी पहुंच गए ना, 2 घंटे। अभी और ऊपर है लेकिन यहाँ से वो नया वाला रास्ता कटता है, हम तो वहीं से ही जाएंगे। तो और अभी रास्ते में भूख लगी तो हम लोग वो देख के खा रहे हैं। देखो गाइस नन्नू जी कहाँ खड़े हैं, गाइस हम लोग नया रास्ता है ना भवन का, वाओ देखो, वाओ यार कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, और हम वहाँ से आ रहे हैं, देख नीचे से आ रहे हैं हम। गाइस इतना प्यारा, इतना अमेजिंग लग रहा है, इतनी पॉजिटिविटी लग रही है मुझे क्या है यहाँ पे सभी को लगती है। और ये ना गाइस ये देखिए ये अर्धकुंवारी है, कहाँ ये रेड कलर का जो बना हुआ, हाँ ये जो रेड कलर का, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये अर्धकुंवारी है, लेकिन अर्धकुंवारी से एक और रास्ता कट रहा है जो कि नया रास्ता है और वो सीधा भवन जाता है, तो हमने वो रास्ता पकड़ लिया है क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, ताकि हमारे वो प्लान्स पूरे रहे अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो मिलते हैं आपसे भवन पहुँच के। तो देखो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, और देखो ये रे हमारे नन्नू जी प्रसाद की लाइन में लगे हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम आके रुके हैं सागर रत्ना पे, रियाना तो भैया वॉशरूम, और मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने क्या ऑर्डर किया है। और गाइस कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, हालत आप देख ही सकते हैं। तो ठीक है फिर एक बार ही रियाना आ जाए तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने क्या ऑर्डर किया। तो गाइस ये रहा हमारा पहला ऑर्डर, कैसा है? बढ़िया, बहुत क्रिस्पी, और डोसा तो सबका ऑल टाइम फेवरेट होता है, सबका ही होता है, चटनी तो इतनी उमदा है ना, और एकदम गाइस ये पेपर थिन है, इतना पतला डोसा है ना, मजा आ रहा खाने में, बहुत मजा आ रहा सही में। और रेट भी काफी नॉमिनल है इनके, 154 में सागर रत्ना, 154 रुपीज में एक प्लेट छोले भटूरे और एक प्लेट डोसा। क्या बात कर रहे हो, और दिल्ली में 150 का तो डोसा ही डोसा आता है, डोसा भी नहीं आ पाता 150 का। तो गाइस अब हमारा दूसरा भी ऑर्डर आ चुका है, और ये देखिए इससे तो बिल्कुल नहीं रुका जा रहा, कैसे है? बहुत अच्छा सागर रत्न है, गुड क्वालिटी, गुड रीजनेबल रेट, वो भटूरे करारे नहीं लग रहे हैं, बहुत करारे हैं और अच्छे हैं। चाय भी ना बहुत टाइम बाद बड़ी अच्छी चाय पी है, दूध वाली है और मॉडरेट है, मीठा भी ज़्यादा खा लो, अब खा के बात करो। गाइस अब सागर रत्ना पे खाने के बाद आप देखो कोहरा, ये कोहरा नहीं है बारिश है, मौसम ने अलग ही रुख मोड़ लिया है,
और बहुत एकदम सही, हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतनी ठंड हो जाएगी। मेरे को भी रिहाना की शॉल ओढ़नी पड़ी और कानों पे इतनी जोर की ठंड लग रही थी। और बारिश की आवाज़ सुनिए गाइस, आप ये देखिए, ये यहाँ से आप दिखा भी सकते हो, ये देखो देखो दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए गाइस, मतलब इतना अच्छे उसमें, मतलब एकदम से मौसम चेंज हो गया, मौसम चेंज हो ही जाता है। और हम जब लास्ट टाइम भी आए थे तब भी बारिश हुई थी, और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना हमेशा बारिश होती है मोस्टली। तो अभी तो हम चढ़ाई को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि अब हमें जाना है भैरव बाबा पे। और ट्रॉली भी चलती है यहाँ पे जो कि हो रखी है अभी बंद, ये है वो रात को नहीं चलती, ये है ट्रॉली का परखच्चा, ये परखच्चा है जिससे ट्रॉली चलती है, ये देखो तार जा रहे हैं गाइस, ओले पड़ने लग गए हैं पता है, ये देखो, ये देखो गाइस ओले पड़ रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, बहुत तेज ओले पड़ रहे हैं, बहुत तेज, ये देखो, ये देखो, और बारिश देखो कितना तेज हो रही है, और ये वही दिखाया, वही मैंने अपनी लाइफ में इतनी तेज बारिश की आवाज़ आज तक नहीं सुनी जितनी तेज मैंने आज सुनी है, इतनी तेज। और ये है गाइस भैरव, भैरव बाबा जी का मंदिर, चलो 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 चलो, चलो। हम मिलते हैं आपसे, बहुत बारिश हो रही है गाइस, ओले पड़ रहे हैं, ओले, ये देखिए दोस्तों ओले गिरते हुए देखिए, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं कहाँ, बाणगंगा ना, हमने अच्छी काफी ज्यादा गाइस काफी बहुत पैरों में ऐसा हो रहा है ना, अभी हमने एक 300 कुछ वाली सीढ़ियाँ ली थी और फिर बारिश होने लग गई, उससे पहले हम 526 सीढ़ियाँ उतर के आए थे और बारिश होने लगी, तो अब हमने यहाँ पे बारिश का बताओ क्या आज रहा है, एक दुकान पे मैगी ऑर्डर करी है, बारिश का बताओ, बारिश मेरे को मैगी की खुशबू के अलावा नहीं पता लग पा रहा, कितनी वहाँ पे उन्होंने जो तिरपाल डाली थी वो अच्छी, वो तो सारा पता लगेगा इनको जब ये वो वाली वीडियो देखेंगे भैरव बाबा वाली, कि कितनी जोर की बारिश हुई थी भैरव बाबा पे और अभी भी हो रही है, मतलब कल से ना हम जब चढ़ाई की तब भी बारिश थी, अभी भी ओले और अभी भी ओले गिर रहे हैं, देखो आप, और आज पूर्णिमा समथिंग है, पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा है, सो जाओ तुम यहीं, देखिए दोस्तों भूख मरी फैली हुई है, इसका बस चल रहा है कि मेरी भी मैगी को, तो देखो कोई भी नहीं मना कर सकता मेरे हिसाब से, 100 बंदों से पूछेंगे ना अगर तो 99 बंदे मैगी को हाँ ही बोलेंगे कि हाँ खा लेंगे, तो बढ़िया लग रही है, बढ़िया बनी हुई है एकदम, प्लेन मैगी मेरी है यहाँ पर, बढ़िया। तो मैं आपकी वीडियो अब यूट्यूब पे भी डालूंगा, ये कौन सा बटर होता है, ये न्यूट्रलाइट है, न्यूट्रलाइट बटर गाइस, और ये मसाला क्या क्या डालते हो इसमें, इसमें सोयाबीन है सर, बाकी सब्जी वगैरह अपने हिसाब से जितना डालोगे उतना सही है, सब्जी में क्या क्या, बंद गोभी, शिमला मिर्च, नहीं शिमला मिर्च नहीं इसमें ज़्यादा होता है, प्याज ही, लेकिन प्याज इधर खाते नहीं ना, अच्छा यात्री लोग कम खाते हैं तो डालते नहीं हैं, अच्छा फिर बंद गोभी ही चलता है यार, बंद गोभी डालते हो सिर्फ, फिर बंद गोभी चल जाता है ना, खा लेते हैं यात्री लोग, वो डालते हैं, प्याज वाला कम खाते हैं, हाँ यहाँ पे तो यात्री तो फिर जब तक कंजके नहीं बिठाते ना तब तक नहीं खाते, ये देखिए गाइस, और कहते क्या है भैया इसको, इसको न्यूट्री कुलचा सर, हमारे जम्मू में, जम्मू का न्यूट्री कुलचा है गाइस, ये नींबू डालो, ये डल गया नींबू, और ये वो भैया क्या नाम है आपका, पुष्पिंदर सिंह, पुष्पिंदर सिंह जी हैं, और ये एकदम
जैसे ही आप एग्जिट करोगे ना माता के दर्शन करके, तो ये एकदम बाहर ही इनका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, और साइकिल पे इन्होंने लगा रखा है। बहुत बढ़िया न्यूट्री कुल्चा, मैं एक खा चुका हूँ, ये मेरा दूसरा है। तो गाइस अब हम लोग सो के उठ चुके हैं और हो गए हैं रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं कटरा की मार्केट घूमने के लिए, और हमने कंजके भी बिठानी थी तो वो भी हम वहीं पर ही बिठा देंगे, और फिर डिनर विनर करेंगे मार्केट में ही, और फिर बताते हैं आपको, दिखाते हैं कि हम कहाँ डिनर करने वाले हैं। तो चलिए। ये रही मैडम सीढ़ियों पर, ये पैरों में दर्द नहीं होती तेरे? काम हो रहा है कि हमने कॉन्क्रीट में खाई थी और प्रे भी किया था, तो हो रहा है कि कुछ काम नहीं है, बाकी तो सब पाप है कौन ऐसे तो बोलते हो। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड की मार्केट पे, और अब हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट ज्वेल्स, और इसकी दो ब्रांचेज हैं, जो हमारा बस स्टैंड का गोल चक्कर है, एक राइट हैंड साइड पे पड़ता है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे में खाना बहुत अच्छा मिलता है। मैंने यहाँ पे जब से हम यहाँ पर आए हैं 2 दिन हो गए हैं, हमने छोटे ढाबे पे भी खाना खाया है, तो यहाँ पे बिना गार्लिक बिना प्याज का मिलता है और बहुत ही अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं आप यहाँ आके खाएं, आप किसी भी छोटे ढाबे से खाना खा सकते हैं। तो अब दिखाते हैं हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया। तो देखो दोस्तों, नन्नू जी खाने से पहले देखो क्या ले आए हैं, मीठे के शौकीन। ये क्या है? क्या है इसमें? मीठा ही तो है, पापड़ी चाट। तो मीठी थोड़ी ना होती है भाई। आप इतने एक बात बताओ, इतने चटोरे क्यों? बहुत ही बढ़िया। ये देखिए गाइस, इन्होंने सेब डाला है, पापड़ी है, पापड़ी है सिर्फ इसके अंदर, दही है, मीठी सौंठ की चटनी है, सेब है, अनार है। हाय मेरे को, अकेले अकेले खा रहे हो? बढ़िया। तो खाना ऑर्डर किया तुमने? खाना ऑर्डर कर दिया, आएगा तो फिर दिखाता हूँ। ठीक है। तो गाइस ये है हमारा आज का डिनर, रात का डिनर सॉरी। ये है दाल मखनी और ये है बटर नान। हमने लाइट करारे करारे से लग रहे हैं नान। हाँ यहाँ का खाना अच्छा ही होता है। वैसे दाल मखनी मेरे को पसंद है ना, वैसी है, बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का। कितने का? 180 की दाल मखनी है, नान आई थिंक 50 रुपीज का ईच है, तो मतलब ये 280 रुपीज का डिनर है हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे ढाबों पे भी खाना अच्छा है। आ जा यार खा ले यार, बढ़िया है, ठंडा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। खा के हम आपसे मिलते हैं।